नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 3 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कृषि विभाग ने लोगो और टैगलाइन के लिए जारी की प्रतियोगिता। बिहार के कई जिलों में आज भी है बारिश के आसार। पंचायत चुनाव के तहत सरकारी कर्मियों के लिए जारी हुआ आदेश। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में आ सकते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने निकाली रिक्तियां। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने वरिष्ठ चिकित्सा पदाधिकारी, सहायक राजभाषा अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता सिविल, कनिष्ठ अभियंता विद्युत, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक और वरिष्ठ लेखाकार के कुल मिलाकर 173 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक अनुशासन में पीजी या डिग्री या डिप्लोमा या MBBS या CA या CMA में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.nhpcindia.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। पंचायत चुनाव के तहत सरकारी कर्मियों के लिए जारी हुआ अहम आदेश। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इन सब के बीच बीते दिन से पंचायत चुनाव के पहले चरण को लेकर नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसके बाद अब चुनाव संबंधी एक और जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की है, जिसके तहत जिस प्रखंड में चुनाव होंगे उस दिन उक्त प्रखंड में सरकारी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने श्रम संसाधन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र जारी कर दिया है। पत्र में कहा गया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम में मतदान के दिन सवेतन अवकाश घोषित किए जाने का प्रावधान है, यानी कि एक बात तो साफ है कि अवकाश के कारण किसी कर्मी की मजदूरी में कटौती नहीं की जाएगी। जिलों में आज भी है बारिश के आसार। बिहार के कई जिलों में बीते दिन बारिश का माहौल देखने को मिला। इन सब के बीच मौसम विभाग ने आज भी बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 3 से 5 सितंबर के बीच राज्य के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से भारी स्तर की बारिश देखने को मिल सकती है। 3 सितंबर को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 4 सितंबर को समस्तीपुर, वैशाली, सारण, सिवान और मुजफ्फरपुर में भी अच्छी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा पटना, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर और खगड़िया में मेघ गर्जन और बिजली चमकने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। आज बिहारी वॉचर स्पेशल में हम बात करेंगे के गोस्वामी की। के गोस्वामी का जन्म बिहार में आज ही के दिन साल 1973 को हुआ था। के गोस्वामी एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता हैं जो भारतीय टीवी धारावाहिक में दिखाई देते हैं। उन्होंने स्टार प्लस की 2001 की टीवी श्रृंखला फिर कोई है में गबरू की भूमिका निभाई थी। गोस्वामी वर्तमान में बगल वाली जान मारेली में कोलेत्रा की भूमिका में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सब टीवी के गुटुरगु में भी अपनी भूमिका निभाई है। मंत्री संजय झा पहुंचे भागलपुर। बिहार के कई जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में सरकारी अधिकारी और मंत्री लगातार बाढ़ प्रभावित इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। इन सबके बीच जल संसाधन मंत्री बीते दिन भागलपुर का दौरा करने पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने फरक्का बराज का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फरक्का बराज का रीडिजाइनिंग करना बहुत जरूरी है। 70 साल पहले फरक्का बराज का निर्माण किया गया। फरक्का बराज से 27 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज होता है, जबकि गंगा जब उफान पर होती है तो पटना के गांधी घाट पर 30 लाख क्यूसेक पानी होता है। इसके बिना गाद को हटाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में जब तक यह काम नहीं हो जाता तब तक बिहार को बाढ़ जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहेगा। सरकारी अतिथि गृह में रहने के लिए खर्च करने होंगे और ज्यादा पैसे। अगर आप आने वाले समय में सर्किट हाउस यानी कि सरकारी गृह में अतिथि बनकर रहने वाले हैं तो यकीनन आपकी जेब ज्यादा ढीली होने वाली है, क्योंकि अब सरकारी अतिथि गृहों में ठहरने वालों को अधिक किराया चुकाना पड़ेगा। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार रखरखाव खर्च में वृद्धि के चलते किराए को बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, अब सरकारी अतिथि गृहों में रहने के लिए अपवाद को छोड़कर किसी भी अधिकारी को एक बार में 7 दिन से अधिक का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही कोई भी इस सरकारी अतिथि गृह में केवल 30 दिनों तक ही ज्यादा से ज्यादा ठहर सकते हैं। 7 दिन रहने के बाद और 15 दिन रहने के बाद ही दूसरा आवंटन मिलेगा, जिसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी। बिहार के कई जिलों के लिए शुरू हुई बस सेवा।
कोरोना की दूसरी लहर के बाद बसों के पहियों को भी रोक दिया गया था, लेकिन अब कोरोना के मामलों में कमी आने के साथ ही और लॉकडाउन में सरकार की तरफ से दिए जा रहे छूट के साथ ही यूपी से बिहार के कई जिलों के लिए बस सेवा की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत लखनऊ से मुजफ्फरपुर बंद पड़ी सरकारी बस सेवा का परिचालन शुरू हो गया है, जो कि यूपी के चारबाग से दोपहर 2 बजे खुलती है। आलमगंज गोरखपुर होते हुए मुजफ्फरपुर इमलीचट्टी बस स्टैंड में सुबह 4 बजे पहुंचती है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर से पटना के लिए शुरू हुई दूसरी इलेक्ट्रिक बस प्रतिदिन 2 बार पटना अप डाउन करेगी। इसके अलावा दूसरी इलेक्ट्रिक बस पटना एयरपोर्ट से वाया मुजफ्फरपुर दरभंगा एयरपोर्ट 1 बार पहले से अप डाउन कर रही है। अब ऑनलाइन कर सकेंगे मुखिया, सरपंच और जनप्रतिनिधियों की शिकायत। बिहार में जल्द ही पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान होने वाला है। इसी बीच अब सभी मतदाताओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जिसके तहत अगर आप भी चुनाव से पहले किसी मुखिया, सरपंच और जनप्रतिनिधि की शिकायत करना चाहते हैं तो अब ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। मतदाताओं की सहूलियत के लिए आयोग ने एक ऐप लॉन्च किया है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर पंचायत चुनाव 2021 एक सेक्शन है, जिसको खोलने पर वोटर कॉर्नर आपको दिखाई देगा। इसमें जाकर समाधान पब्लिक कंप्लेन ऐप का ऑप्शन आपको दिखेगा। इस पर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस ऐप पर कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र के मुखिया, सरपंच या अन्य जनप्रतिनिधि की शिकायत, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन, सुझाव और समस्या दर्ज करा सकता है। केंद्र सरकार ने बिहार के पंचायतों के लिए खोला पिटारा। भारत सरकार के 15वें वित्त आयोग की सिफारिश में बिहार के पंचायतों के लिए पिटारा खोलकर राशि दी गई है। इसके तहत बिहार को 1,112 करोड़ रुपए मिले हैं। ये राशि टाइड मद में मिली है और इस बड़ी राशि से बिहार में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद सभी पंचायतों में नल जल का काम, छठ घाट निर्माण, कचरा प्रबंधन, पक्की गली नाली का निर्माण आदि विकास कार्य कराए जाएंगे। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बीते दिन जानकारी दी और साथ ही प्रधानमंत्री और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह को धन्यवाद किया है। बताते चले कि बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड और बंगाल से भी ज्यादा राशि बिहार के लिए जारी की गई है। बिहार में बड़े स्कैनर मशीन लगाएगी रेलवे। बिहार में रेलवे की सुरक्षा को बढ़ाए जाने के लिए बड़े स्कैनर मशीन लगाने की तैयारी में रेलवे जुट गया है। ट्रेन और स्टेशन पर मौजूद पैसेंजर की सुरक्षा और सिक्योरिटी को लेकर तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं, जिसके तहत रेलवे में बुक होने वाले पार्सल की जांच और पैक्ड सामानों के बारे में आसानी से पता लगाने के लिए लेजर स्कैनर मशीन भी लगाई जाएगी, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई गई है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर इंफ्रारेड मशीन और सीसीटीवी भी उपलब्ध कराने की कवायद चल रही है। इसमें दानापुर रेल डिवीजन में पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर, दानापुर, पाटलिपुत्र, क्यूल और झाझा स्टेशन को शामिल किया गया है, क्योंकि ये ऐसे स्टेशन है जहां पर पार्सल की बुकिंग का काम सबसे ज्यादा होता है। याद हो, दरभंगा स्टेशन पार्सल मामले के बाद ही यह कदम उठाया गया है। पर्यटकों के लिए पटना एयरपोर्ट पर हुई खास व्यवस्था। बिहार में सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रही है। यही कारण है कि बिहार सरकार इस बात का खास ध्यान रख रही है कि पर्यटन के लिहाज से बिहार आए कोई भी पर्यटक परेशान ना हो। यही कारण है कि अब बिहार सरकार ने पर्यटन के दृष्टिकोण से बिहार आए सभी पर्यटकों को पटना एयरपोर्ट पर ही पर्यटन की सारी जानकारी मुहैया करवाने का फैसला लिया है। बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद की माने तो पटना हवाई अड्डे पर पर्यटकों की सुविधा के लिए भिन्न भिन्न जगहों पर मार्का लगाए जाएंगे। इसमें पर्यटकों को बिहार के पर्यटन स्थल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ ही वाल्मीकि नगर में कन्वेंशन सेंटर की घोषणा से व्यवसायी एवं पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भी सुविधा मिलेगी। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में आ सकते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने बीते दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर कार्यक्रम का न्योता दिया। साथ ही उम्मीद जताई कि दोनों ही शताब्दी वर्ष पूरे होने के समापन समारोह में जरूर शिरकत करेंगे। बताते चले कि 7 फरवरी 2021 को ही बिहार विधानसभा की पहली बैठक के 100 साल हो गए, इसलिए एक साल तक कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। आखिर में भव्य समापन समारोह आयोजित होंगे, जिसमें देश के दिग्गजों के आने की उम्मीद जताई गई है। संविदा चालकों ने नौकरी से नहीं निकालने के लिए मंत्री जी से की गुहार। बीते दिन जदयू कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान परिवहन मंत्री शीला कुमारी और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव कार्यक्रम का हिस्सा बने थे, जहां पर मंत्री जी से गुहार लगाने संविदा पर बहाल हुए चालक भी पहुंचे, जिन्हें नौकरी से हटा दिया गया है। चालकों का कहना है कि 2003 से हम लोग काम कर रहे हैं और एक बार से हम लोगों की नौकरी खत्म कर दी गई है। अब कहा जा रहा है कि एजेंसी के माध्यम से आप लोग काम कीजिएगा। मंत्री ने पूरे मामले में परिवहन आयुक्त से बातचीत कर उपाय निकालने का आश्वासन भी दिया है। सूबे के हर पंचायत की गलियां सोलर स्ट्रीट लाइट से चमकेगी। राज्य के सभी गांव पंचायतों की
गलियों को सोलर स्ट्रीट लाइट से चमकाया जाना है और यह काम मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के जरिए होगा। इस योजना में संबंधित प्रेजेंटेशन को पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने बीते दिन सीएम नीतीश कुमार के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया। इस प्रेजेंटेशन में सोलर लाइट लगाने के लक्ष्य, जगह का चयन, रखरखाव, वित्तीय प्रबंधन आदि के संबंध में जानकारी दी गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी स्थानों का चयन एक साथ करने और सोलर लाइट लगाने के लिए ठीक से सर्वे करने की बात कही है। साथ ही मेंटेनेंस पर खास ध्यान देने को भी कहा है। से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। बिहार सरकार के 6 महीने में 6 करोड़ टीकाकरण का संकल्प अब दूर की कौड़ी नजर नहीं आ रही है, बल्कि अब यह संभव होता दिख रहा है, क्योंकि बिहार सरकार के लक्ष्य के बाद से ही बिहार में 3,84,00,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन होने की पुष्टि की गई है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। इस बाबत उन्होंने बताया कि बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान अच्छे तरीके से चल रहा है। अब तक 3,84,00,000 से ज्यादा लोगों को टीका दिया जा चुका है। हाल ही में एक दिन में 27,00,000 से ज्यादा लोगों को टीका दिया गया, ये पूरे देश भर में रिकॉर्ड है। इसके साथ ही उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि तीसरी लहर की भी आने की संभावना जताई गई है, उसको लेकर हम लोगों की तैयारी मजबूती से चल रही है। शुक्ला के गुजर जाने पर खेसारी लाल ने जताया दुख। बीते दिन टीवी से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री को बड़ा झटका तब लगा जब मात्र 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया, जिसके बाद पूरे इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है, जिसके तहत खेसारी लाल यादव ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि सुबह सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की सूचना मिली तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि सिद्धार्थ शुक्ला इस तरह से हम लोगों को छोड़कर चले जाएंगे। बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला से मेरी पहली मुलाकात हुई। इस दौरान मेरा और सिद्धार्थ शुक्ला का संबंध छोटे भाई और बड़े भाई जैसा हो गया था। सिद्धार्थ भाई, बहुत कष्ट हो रहा है, यकीन नहीं हो पा रहा आप हमारे बीच नहीं रहे। जेपी विद्यालय के पाठ्यक्रम से महापुरुषों के नाम पर शिक्षा मंत्री ने दिया बयान। इन दिनों जेपी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से कई महापुरुषों के नाम को हटाने की चर्चा तेज है। वहीं इस मुद्दे को लेकर अब शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मीडिया से शिक्षा विभाग को इस विषय की जानकारी मिली है। विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग सरकार के अधीन नहीं होता है। 2 दिन पहले मीडिया में यह मामला प्रकाश में आया था। इसके बाद बिहार के शिक्षा विभाग को इस पाठ्यक्रम में बदलाव की जानकारी नहीं थी। इस मुद्दे को लेकर वीसी को बुलाया गया था। ज्ञात हो यह मामला 2018 का है। इसको लेकर कमेटी का भी गठन किया गया था। हम इस पाठ्यक्रम के संशोधन को सही नहीं मानते हैं। कृषि विभाग ने लोगो और टैगलाइन के लिए जारी की प्रतियोगिता। बिहार कृषि विभाग राज्य में गंगा किनारे स्थित 13 जिलों में इन दिनों जैविक कॉरिडोर योजना को सफल बनाने में लगा हुआ है, जिसके तहत अब विभाग ने इस योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए योजना के लिए लोगो और टैगलाइन की मांग की है। इसको लेकर कृषि विभाग ने हाल ही में 2 प्रतियोगिता का आयोजन करने का ऐलान किया है, जिसके तहत लोगो डिजाइन के लिए चयनित विजेता को 51,000 रूपए और प्रशंसा पत्र और टैगलाइन लेखन के चयनित विजेता को 21,000 रूपए और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार state.bihar.gov.in/kriti/citizenhome.html या dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पटना एम्स में है भर्ती। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल बीमार चल रहे हैं और फिलहाल पटना एम्स में भर्ती हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम नाम की गंभीर बीमारी है। कोलकाता जाने के दौरान उन्हें बुखार आया था, जो काफी दिनों के बाद नहीं उतरा, जिसके बाद पटना एम्स में जांच करवाने पर बीमारी का पता चला है। ये बीमारी दवाइयों के रिएक्शन की वजह से होती है। फिलहाल उनका इलाज 7 दिनों तक पटना एम्स में चलेगा। इस दौरान वो अपने समर्थकों से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। दिग्विजय सिंह ने सीएम नीतीश के पीएम के सामने घुटने टेकने की कही बात। इन दिनों बिहार की राजनीति में जोर शोर से सीएम नीतीश को पीएम मटेरियल बताया जा रहा है। इन सबके बीच अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष का भी बयान सामने आने लगा है, जिसके तहत ही इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश पीएम मटेरियल नहीं है। अगर ऐसा है तो वो प्रधानमंत्री के सामने घुटने क्यों टेकते। सच तो यह है कि नीतीश कुमार ने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए पूरी तरह से भाजपा की विचारधारा को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कुर्सी के वास्ते प्रधानमंत्री के सामने घुटने टेक दिए हैं। तेज प्रताप की विधायकी पर मंडराने लगे काले बादल। तेज प्रताप यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ पार्टी के अंदर उनकी सीधी लड़ाई जगदानंद सिंह से है, वहीं दूसरी तरफ बीते दिन तेज प्रताप की विधायकी को लेकर हाईकोर्ट में भी सुनवाई की गई। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से पक्षकारों के बीच विवादित बिंदुओं को कोर्ट में दायर किया गया।
ज्ञात हो तेज प्रताप यादव के हसनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन को विजय कुमार यादव ने चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दी है, जो कि तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को वाइड अमान्य करार देने के लिए चुनाव याचिका दायर कर चुके हैं, जिसके बाद अब 30 सितंबर को सेटलमेंट ऑफ इशू और गवाही पर सुनवाई की जाएगी। गवाही में संबंधित पक्षकारों द्वारा उन दस्तावेजों और गवाहों की सूची भी दी जाएगी जो इस मुकदमे से जुड़े हुए होंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। नेल्सन मंडेला द्वारा गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में 1998 में कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की। राजेंद्र कुमार पचौरी को 2008 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था जलवायु परिवर्तन के अंतर सरकारी पैनल IPCC का पुनः प्रमुख चुना गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS रेड्डी की 2009 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान चली गई। भारत और पाकिस्तान में 2014 को अचानक आई बाढ़ के कारण 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। भारतीय फिल्म अभिनेता विवेक ओबरॉय का जन्म 1976 को आज ही के दिन हुआ था। भारत की प्रसिद्ध महिला पहलवान साक्षी मलिक का जन्म 1992 को आज ही के दिन हुआ था। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में काली पट्टी बांधकर उतरी टीम इंडिया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है। दोनों टीमों के बीच चौथा टेस्ट लंदन के द ओवल मैदान पर गुरुवार से खेला जा रहा है। मेजबान इंग्लैंड ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दोनों टीमों ने अपने प्लेइंग 11 में 2-2 बदलाव किए हैं। इस बीच चौथे टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम काली पट्टी बांधकर मैच खेलने के लिए उतरी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय टीम ने यह काली पट्टी दिग्गज कोच वासुदेव परांजपे के सम्मान में पहनी है। परांजपे का पिछले सोमवार को निधन हो गया था। जल्द ही भारत में लॉन्च होगा नया पबजी गेम। भारत में जल्द ही नया पबजी गेम लॉन्च होने वाला है, क्योंकि क्राफ्टन ने घोषणा की है कि वो गेम देश में प्री रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार है। भारत में पबजी न्यू स्टेट अब प्री रजिस्ट्रेशन के लिए एंड्रॉइड और iOS यूजर के लिए अवेलेबल है। भारत में पबजी न्यू स्टेट रिलीज की तारीख का खुलासा होना बाकी है, लेकिन अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि गेम जल्द ही लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि प्री रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं, जिसके तहत अगर आप भी पबजी के फैन हैं तो आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 2 सितंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,580 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,800 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,000 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.21 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.52 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनीष मोहरा, रविंद्र पासवान, शिव कुमार, दीपक कुमार, रामबाबू कुमार, आनंद किशोर, ब्रजेश कुमार, पूजन ज्योतिष तिवारी, धीरज कुमार, रंजन यादव, विकास कुमार, पंकज कुमार दास, अखिलेश कुमार, राजेश सोंथियाल। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार पर्यटन के दृष्टिकोण से बिहार की कौन सी जगह सबसे अच्छी है। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।